नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इंडिया एट मिडडे में लगातार हम आपको अपडेट खबरों से रूबरू करा रहे हैं और पहली अपडेट खबर यही कि नकल उतारने पर कल्याण बनर्जी का बयान सामने आया है, मेरा किसी को चोट पहुंचाने का इरादा ही नहीं, ये कहते नजर आए हैं। दुख पहुंचाने का इरादा नहीं है कल्याण बनर्जी, नकल करना एक कला है ये कह रहे हैं। मेरे मन में सभापति के लिए बहुत सम्मान है। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है लेकिन ये सत्र फिलहाल हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। पिछले दो दिनों में ही सदन में 100 से ज्यादा सांसद हंगामा करने की वजह से निलंबित हो चुके हैं। ये बात और है कि कुछ वहां पर मौजूद भी नहीं थे तो भी निलंबित हो गए। ऐसे में विपक्षी सांसद मंगलवार को संसद भवन के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये बड़ी तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से आपको रूबरू होना चाहिए। ये जो आपको अजीब सा कैरेक्टर नजर आएगा, ये कैरेक्टर असल में है कल्याण बनर्जी, जिन्होंने कहा है कि मैंने जो भी किया अफसोस नहीं है। मिमिक्री करना एक कला होती है लेकिन कला कब तक होती है, शायद इस बात का दायरा वो भूल गए। शायद यही वजह है कि इनको निष्कासन का सामना करना पड़ा। और दूसरी तरफ आप सामने राहुल गांधी को देख पाएंगे। राहुल गांधी, कल्याण बनर्जी जिस दौरान ये तमाम चीजें कर रहे थे, देखिए तस्वीरों में देखिए, जिस दौरान कल्याण बनर्जी ये तमाम चीजें कर रहे थे उस दौरान राहुल गांधी क्या कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपना कैमरा निकाला, फोन निकाला और फोन पर कल्याण बनर्जी की वीडियो बनाने लग गए। अब इन तमाम चीजों को लेकर के बवाल मचा हुआ है, होना भी चाहिए क्योंकि पद का सम्मान होना चाहिए। और इसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी कि कल्याण बनर्जी ने यह जो हरकत की है यह हरकत असल में दुर्भाग्यपूर्ण है। अपमान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है ये प्रधानमंत्री कहते नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल्याण बनर्जी साफ तौर पर ये तमाम हरकत करते नजर आई और ये उस दौरान हो रहा था जब तमाम सांसदों को, जब कल ये तादाद 141 हो गई थी तब तमाम सांसद सदन की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। लेकिन विरोध जताने का तरीका देखिए, उस तरीके में अपमान था, सभापति का अपमान था। लेकिन कल्याण बनर्जी क्या कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिमिक्री करना तो एक कला होती है और मैं तो उनकी नकल उतार रहा था, मैं उनका सम्मान करता हूं, धनखड़ का सम्मान करता हूं, सभापति का सम्मान करता हूं, पद का सम्मान करता हूं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। He belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's a one type of art. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उपराष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिमिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सभापति के अपमान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं 20 सालों से अपमान सह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा है। संविधान का पालन करता रहूंगा। जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया है कि इस तरह की तमाम चीजें मुझे विचलित नहीं कर सकती हैं, मैं संविधान का पालन करता रहूंगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते नजर आए हैं, मैं 20 सालों से इसी तरह के अपमान को सह रहा हूं। तस्वीरें देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जिसके बाद लगातार विपक्ष
सरकार के निशाने पर है। बीती शाम प्रहलाद जोशी का भी बयान सामने आया था। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी, साथ में ये जो तमाम विपक्षी वहां पर मौजूद थे, इन्होंने जो कुछ भी किया इससे आप बहुत सहजता के साथ में इनकी मानसिक स्थिति और मैच्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए सीधे रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम का हमारे साथ में सहयोगी सागर मिश्रा न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सागर, जिस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसके बाद लग नहीं रहा है कि कल्याण बनर्जी के लिए रास अनोगी। देखिए बिल्कुल, कल्याण बनर्जी और ये तमाम जो विपक्ष के लोग हैं बौखलाए इसीलिए क्योंकि लोकसभा से 107 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं और वहीं राज्यसभा से 34 सांसदों को निलंबित किया गया है। कल के दिन जब ये संख्या 141 बढ़ी तो फिर जमकर वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गया। सभी गांधी प्रतिमा के सामने लगे प्रदर्शन करने। अब विपक्षी सांसदों का ये कहना कि आखिर हमें निलंबित किया क्यों गया है। अब देखिए, ये टीएमसी के सांसद जिन्होंने मिमिक्री की उपराष्ट्रपति के, वाकई में काफी ये निंदनीय है और इसीलिए इस पर काफी नाराज भी दिखाई दिए थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और फिर जब इनसे इस पर बयान लिया गया, इनका रिएक्शन ये सामने आया सांसद महोदय का कि हम सम्मान हम करते हैं उपराष्ट्रपति का, हमारा कोई मकसद ये नहीं था किसी को ठेस पहुंचाना, इस तरह की चीजें। लेकिन सवाल ये कि सामने राहुल गांधी भी खड़े हैं, सभी सांसद वहां पर देखिए महोदय खड़े हैं, तो क्या उन्हें इस चीज को नहीं समझना चाहिए? देश के उपराष्ट्रपति उस सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, क्या आप उनकी मिमिक्री आप कर रहे हैं? वो भी देश के, देखिए सभी टीवी चैनलों पर ये चल रहा है। तो ऐसे में विपक्ष के नेताओं को ये समझना होगा, प्रदर्शन करने का तरीका अपना अलग है, कुछ आप जिक्र आप कर रही थी पहले, लेकिन इस तरह से विरोध आप दर्ज ना कराएं जिससे लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो और लोग देखिए गलत समझे विपक्ष के नेताओं को। अब देखिए, जो सांसद निलंबित किए गए पूजा, ना तो उन्हें लॉबी में ना तो गैलरी में कहीं एंट्री मिलने नहीं वाली अगले आदेश तक। ऐसे में निलंबन के बाद ये करेंगे क्या, इनका आगे का क्या कदम होगा, ये अब देखना होगा। लेकिन लगातार देखिए, कल के दिन जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई, आज के दिन भी विपक्ष ने बैठक किया, इसी पर चर्चा हुई कि आखिर अब हमारा रुख क्या होगा, लोकतंत्र बचाओ, पीएम मोदी को हटाओ, इस तरह के नारे तो लगातार विपक्ष लगा रहा है, लेकिन क्या अब रुख होगा इस एक्शन के बाद, ये अब देखने वाली बात होगी पूजा। बिल्कुल, और ये भी हम नहीं भूल सकते हैं सागर कि जब जब विपक्ष ने देश के सर्वोच्च पदों को चैलेंज किया है या उनका उपहास किया है, तब तब जनता ने उनको नकारा है, या यूं कहें कि सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो खुद घिरते नजर आए। देखिए बिल्कुल, चुनावी मौसम में भी आपने देखा होगा कई बार विपक्ष जो है अपने बयानों को लेकर फंस जाता है, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर या फिर किसी जाति विशेष को लेकर। इस तरह की जब आप बयान जब आप देंगे तो फिर जनता भी आप पर तो सवाल खड़ी करेगी। अब विपक्ष की इन तस्वीरों को देखने के बाद तो क्या जनता के प्रति और जनता के जहन में कोई अच्छी छवि इनकी नहीं बन रही है? ऐसे में अगर आप प्रदर्शन आप दर्ज आप करा रहे हैं, विरोध आप जता रहे हैं, तो आप किसी जनहित के मुद्दों को लेकर आप जाएं। पिछले देखिए 22 तारीख तक सत्र चलने वाला है, लेकिन अभी तक किसी भी ऐसे मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई है जो जनहित में हो। लगातार संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, जांच अभी जारी है। आरोपी नीलम की बात करें, सागर शर्मा की बात करें या फिर बेंगलुरु में जो इंजीनियर था मनोरंजन, उसकी हम बात करें, ये सब आरोपी देखिए पकड़े गए, पूछताछ हो रही, प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आप सवाल जवाब आप क्यों कर रहे हैं, हंगामा आप क्यों कर रहे हैं? जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिस वजह से शीतकालीन सत्र बुलाया गया है और विशेष सत्र में इन सब मुद्दों पर चर्चा होती तो बेहतर होता, लेकिन पिछले 4-5 सत्रों से लगातार हम देखते चले आ रहे हैं पूजा, विपक्ष इसी तरह से हंगामा करता है, चाहे वो मुद्दा राफेल का हो या फिर पिछली बार अडानी का मामला हो या फिर इस बार संसद में सुरक्षा की सेंधमारी का मामला हो। पूजा बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सागर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो संसद परिसर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन इस दौरान देखने को मिला, 141 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का प्रदर्शन है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर के साथ प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें देखिए, सेव डेमोक्रेसी। देखिए फिलहाल कहते हैं कि सशक्त लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष का होना भी बेहद जरूरी है, लेकिन जब आप इस प्रदर्शन की तस्वीर पर नजर डालेंगे तो आपको एक फ्रेम में कैद होने की जो हलचल है, या यूं कहें कि कसमसाहट है, वो ज्यादा नजर आएगी कि कैसे भी करके मीडिया के कैमरे के फ्रेम में हम फिट हो जाएं। वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने
हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो तीन बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबको सस्पेंड, सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। ये तो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइटिंग है उनका और हमको मुंह बंद करना चाहते, अब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक सकारात्मक बातचीत की तरफ पहल नहीं हो जाती है तब तक प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि पेट में जब आग नहीं है तो प्रदर्शन किस काम का, और इस प्रदर्शन में साफ तौर पर कसमसाहट नजर आ रही थी कि किसी तरीके से कैमरे के एक फ्रेम में फिट हो जाया जाए और जो हम पोस्टर लेकर के आए हैं वो पोस्टर हम प्रेजेंट करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट है जिससे आपको रूबरू होना चाहिए ताकि आप सावधान हो सकें अपने भविष्य को लेकर। बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने टेंशन बढ़ा दी है। नए वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक कही, सभी हेल्थ मिनिस्टर बैठक में शामिल हुए, सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर 3 महीने में अस्पतालों का रिव्यू होगा, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बार फिर से उस मंत्र को याद कर लीजिए क्योंकि यही मंत्र आपकी जिंदगी बचाएगा और आपके भविष्य को सुरक्षित रखेगा। 2 गज दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, तो मास्क दोबारा लगाइए, अपने भविष्य को बचाइए। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कोरोना के लक्षण क्या होते हैं। गले में अगर आपको खराश हो रही है, खराश की शिकायत है, दर्द महसूस हो रहा है, शरीर में दर्द है, शरीर के कई हिस्सों में दर्द, या फिर आप थकान लगातार महसूस कर रहे हैं तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। बुखार है, ज्यादातर लोगों में बुखार और उच्च ताप होता रहता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये कंटिन्यूअस है तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा खांसी और ठंड, साथ में प्रदूषित खांसी के अलग तरह के लक्षण होते हैं, इसमें भी आपको टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। नाक बहना, गले में खराश होना, दर्द होना, गले में छाले होना, दर्द होना, ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जिन पर आप फोकस रखिए। अगर इनमें से किसी एक तरह के लक्षण भी आपके अंदर आपको महसूस हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात लगातार महसूस हो रहे हैं, तो आपको फॉर श्योर अपने नियर बाय हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। हॉस्पिटल जाइए, टेस्ट कराइए ताकि प्रिकॉशन आप ले सकें। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और बाद में बचाव के क्या तरीके हैं वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको हैंड हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। सामाजिक दूरी, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 2 मंत्र आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेने हैं। 2 गज दूरी, मास्क है बहुत ज्यादा जरूरी, और मास्क लगाइए, अपने भविष्य को बचाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वो तमाम चीजें हैं जो आपको बचाएंगी, आपको सुरक्षित रखेंगी। सबसे बड़ी बात, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए। अगर आप किसी सरफेस को टच कर रहे हैं, सरफेस को अगर टच कर रहे हैं, अगर आपका हाथ आप दूसरों से मिला रहे हैं, तो पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करने के बाद ही अपने जो इंजेक्टिंग पार्ट्स हैं, जैसे कि नाक हो गया, कान हो गया, आंखें हो गई, यहाँ पर आपको मुंह हो गया, यहाँ पर टच करने से पहले आपको सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने हैं। बिना हैंड वॉश के अपने इंजेक्टिंग पार्ट्स को टच मत करिए, सेंसिटिव पार्ट्स को टच मत करिए, क्योंकि जो कोरोना वेरिएंट है वो आपकी बॉडी में इंजेस्ट कर सकता है।
कोरोना के बचाव के क्या तरीके हैं वो आपको साफ तौर पर बता दिया। तीन ही तरीका है, पहला आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, दूसरा आपको दो गज दूरी का ध्यान रखना है। देखिए पहले ही बताया था कि छींक की वजह से या अगर किसी को जो है नाक बह रही है या इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो इस वजह से कोरोना ज़्यादा तरीके से स्प्रेड होता है। तो आप बहुत ज़्यादा बचिए, जिन लोगों से भी आप मिल रहे हैं जहाँ पर गैदरिंग है वहाँ पर मास्क पहनिए, और हो सके तो गैदरिंग में मत जाइए। अगर जाना पड़ रहा है तो मास्क ही पहनकर जाइए, और इसके अलावा अगर आप गैदरिंग में गए हैं तो आपको अपने सैनिटाइजेशन का यानी कि हाथों का खास ख्याल रखना है। कोरोना की दस्तक, तेजी से बढ़ते केस, WHO ने जारी की चेतावनी। देश में कोरोना ने फिर दस्तक दी है। कोरोना महामारी के नए वेरिएंट JN.1 से एक बार फिर देश में दहशत है। डॉक्टरों की माने तो सर्दियों में इस वायरस के फैलने का खतरा काफी बढ़ सकता है। बता दें कि चीन से शुरू हुआ ये घातक वायरस हाल फिलहाल में चीन समेत दुनिया के कई देशों में फिर एक्टिव हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया में फिर से टेंशन पैदा कर दी है। नए वेरिएंट के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हालात 2020 जैसे होते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट JN.1 पहले के वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बात करें सिंगापुर की तो बीते हफ्तों में 56,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। WHO ने भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई है। भारत में भी इस नए वेरिएंट JN.1 के केस तेजी से मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल में अब तक 111 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। राज्य में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक कोरोना से लगभग 1700 मरीज जूझ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक हर साल कोरोना के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें 111 केस सिर्फ केरल से हैं। कोविड का एक सब वेरिएंट है JN.1, और ये जैसे हमारे पास बीच में सब वेरिएंट्स कई सारे आए और आते रहेंगे, आगे भी आएंगे, ये उस तरह का सब वेरिएंट है। ये वायरसेस अपना रूप बदलता रहता है और ये नए नए सब वेरिएंट आते रहते हैं। डजंट मीन कि ये उतना ही सिवियर होगा और उतना ही घातक होगा। इसका केवल मतलब ये है कि वायरस ने थोड़ा अपने आप में म्यूटेट किया है। देखिए, जब भी किसी भी वायरस का कोई सब वेरिएंट या नया म्यूटेंट वेरिएंट आएगा तो उसका इन्फेक्टिविटी थोड़ी बड़ी भी होती है। तो इसी की सेम यही कहा जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस केरल में 8 दिसंबर को दर्ज किया गया था। बीते 24 घंटों में कोरोना के 335 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस बढ़कर 1700 हो गए हैं। बता दें कि JN.1 कोरोना वेरिएंट से अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से 4 केरल में और 1 उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद 2020 से लेकर अब तक मरने वालों का आंकड़ा 5,33,316 हो चुका है। देश में अब तक 4,50,04,816 केस सामने आ चुके हैं। वहीं देश के दक्षिणी राज्यों में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 वायरस के लिए अलर्ट और तैयार रहने को कहा है। बताया जा रहा है कि गोवा से भी 15 सैंपल लिए गए हैं, फिलहाल उनकी जांच की जा रही है। लोगों से अब मास्क पहनने की फिर से अपील की गई है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि इस नए वेरिएंट से लोगों में कोरोना तेजी से तो फैल रहा है, लेकिन मौत की संख्या फिलहाल कम है, इसलिए लोगों को डरने की बजाय सतर्क रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।